नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक ब्रिज कन्या को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से आसान से कुछ उपाय हैं जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं और बरकत पा सकते हैं। दोस्तों ऐसा कौन है जो माँ लक्ष्मी की कृपा ना पाना चाहता हो? अगर आप भी माता रानी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखे जय माँ लक्ष्मी जय माता दी। दोस्तों माँ लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। हर इंसान अपने जीवन में बहुत सारा धन कमाना चाहता है क्योंकि धन के बिना जीवन संभव नहीं है। धन के बिना आप सुख सुविधाओं वाला सामान नहीं खरीद सकते। दरअसल बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो धन तो बहुत कमाते हैं लेकिन उनके पास किसी कारण से धन टिकता नहीं है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान रहते हैं। ऐसे में आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे उपाय बताएंगे जिसे आपको रविवार के दिन करना है, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य देव का दिन है और सूर्य देव को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो रविवार के दिन रात को सोते समय अपने सिरहाने एक गिलास पानी में थोड़ा सा दूध डाल करके सोइए, लेकिन इस बात का ध्यान दें कि इसे ऐसी जगह रखें कि रात को सोते समय आपके हाथ से लगकर ही गिर ना जाए। अब सुबह उठे और स्नान करने के बाद इसे बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दें। ऐसा करने से आपके घर में धन टिकने लगेगा और आपके मन को शांति का एहसास होगा। अगर आपका कोई भी काम बन नहीं पा रहा है, यानी आपके काम में किसी तरह की कोई भी अड़चन आ रही है, तो रविवार के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाइए या फिर काली चिड़िया को दाना डालिए। ऐसा करने से आपके जीवन में आने वाली सभी रुकावटें दूर हो जाएगी। ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन काला तिल या फिर काली उड़द दान करने से जीवन में आ रही सभी समस्याओं का अंत हो जाता है। इसके साथ ही आपके ऊपर शनि देव की कृपा भी बनी रहती है। रविवार के दिन सुबह जल्दी उठें और फिर सूर्य देव को जल दें। जल देते समय जल की धारा में से सूर्य देव के दर्शन करें। ऐसा करने से आंखों की ज्योति बढ़ती है और आप बीमारियों से बचे रहते हैं। आपके घर परिवार के सदस्यों के आसपास भी बीमारियां नहीं पटकती है। इसके अलावा आप जल चढ़ाते समय सूर्य मंत्र ओम सूर्य देवाय नमः मंत्र का जप करते हैं तो रविवार के दिन आपको भगवान सूर्य देव की कृपा मिलने के साथ साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। दोस्तों रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखा घी का दीपक जलाइए। चौमुखा दीपक मतलब जिस दीपक को आप चारों तरफ से जला सकते हैं। इससे व्यापार में वृद्धि होती है। इसके साथ ही घर में धन आने के कई रास्ते बनते हैं। इतना ही नहीं, घर में सभी प्रकार की समस्याएं भी दूर होती है। दोस्तों आप पैसा तो खूब कमाते हैं लेकिन वो पैसा घर में टिकता नहीं, व्यर्थ के कामों में खर्च हो जाता है। तो ऐसे में आप ये उपाय करें, किसी भी शुभ मुहूर्त पर सुबह जल्दी उठकर लाल रेशम का कपड़ा लें और उसमें अखंडित 21 चावल के दाने बांध लें। इसके बाद लक्ष्मी की पूजा करें और पूजा में कपड़े में बंधे चावल भी रखें। पूजा के बाद माता रानी से अपनी मनोकामना मांगें और चावल की पोटली को अपने पर्स या फिर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी। धन प्राप्ति के लिए आप रोजाना सुबह जल्दी उठें और उठकर आप अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखकर देवी लक्ष्मी का स्मरण करें। इससे माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु और माँ सरस्वती भी आपसे प्रसन्न होंगी। सुबह उठकर सबसे पहले घर की गृहिणी अगर एक लोटा पानी घर के मुख्य द्वार पर डालती है तो घर में माँ लक्ष्मी के आने के रास्ते खुल जाते हैं। घर में पैसा रखने वाली अलमारी का मुँह उत्तर दिशा की तरफ रखें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी बढ़ती है। घर की गृहिणी घर की लक्ष्मी होती है। कभी भी उसका अपमान ना करें, हमेशा सम्मान दें। अपने माता पिता को अपनी आय में से एक निर्धारित हिस्सा हर महीने जरूर दें। रात को सोने से पहले अपने पास रखे नोटों की गिनती करके सोएं और विनती करें कि धन तुम मेरे पास आओ, जो रास्ता तुम्हें सही लगे तुम उस रास्ते से आओ, हे धन तुम तीन गुना बढ़कर आओ, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए मेरे पास आओ, हम तुम्हें स्वीकार करने को तैयार हैं। इस बात का ध्यान रखें कि नोटों की गिनती कभी भी उंगलियों पर थूक लगाकर नहीं करनी चाहिए। कभी भी सूर्य अस्त के बाद घर में झाड़ू ना लगाएं। सूर्य अस्त के बाद कभी भी किसी को दूध दही या प्याज नहीं देना चाहिए। किसी भी बाहरी व्यक्ति को आपको ये चीजें सूर्य अस्त के बाद नहीं देनी है, इससे घर में बरकत खत्म हो जाती है। तो आप ये गलती भूल कर भी ना करें। घर में झाड़ू किसी साफ और किसी सुनिश्चित स्थान पर ही रखें। ऐसे ही इधर उधर झाड़ू आपको नहीं रखनी चाहिए। झाड़ू को हमेशा लिटा करके रखा जाता है, उसे ना तो खड़ा करके रखा जाता है और ना ही उसे पैर लगाया जाता है, क्योंकि ये माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। अगर आप इसका अनादर करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर से रूठ कर जा सकती है।
दोस्तों, अगर झाड़ू को आप दूसरे झाड़ू के साथ सटा करके रखते हैं, यानी भिड़ा करके रखते हैं, तो इससे घर में कलेश की स्थिति बनी रहती है। जहाँ गंदगी रहती है वहाँ माँ लक्ष्मी का निवास नहीं होता, अतः घर के आसपास भी आप किसी भी तरह की गंदगी जमा ना होने दें, साफ सफाई का ख्याल रखें, घर में भी कहीं पर भी कूड़ा कचरा जमा ना होने दें। घर में कोई ऐसी चीज है जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उस चीज को घर से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि ये घर में नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय माँ लक्ष्मी, जय माता।